Hello children, take out your fusion book and open page number 110. Okay? Look at the picture, fill in the blanks. यहाँ पे पिक्चर में देखिए कुछ बच्चे आपको दिखेंगे और बच्चों की टी शर्ट में नंबर्स लिखे हैं. देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और टी शर्ट के जो कलर्स है वो अलग अलग हैं. ठीक है, तो देखिए कौन कौन से नंबर लिखे हैं. हम पढ़ेंगे नंबर्स को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, ये है नंबर्स और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है. यहाँ पे क्या करना है पता है आपको? जो नंबर्स दिए गए हैं टी शर्ट के ऊपर उन नंबर्स को आपको पहले कलर करना है. आप आपके चॉइस के हिसाब से कलर कर सकते हैं. कोई इसमें कुछ वो नहीं है कि इस नंबर में ही कलर करना है, ऐसा कुछ नहीं है. जो जिस नंबर में आपको जो पसंद है वो कलर करिए. ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है आपको कौन से नंबर में कौन सी टी शर्ट की क्या कलर है, उस कलर आप यहाँ पे लिखेंगे. आगे देखिए अलग अलग सवाल है, हम पढ़ के देखते हैं और मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगी. सिर्फ कलर के ही नाम लिखना है, मैं सिर्फ बता दूंगी आपको, आपको खुद करना है. ठीक है, द फिफ्थ बॉय इज वेयरिंग अ डैश कलर, डैश कलर द नंबर ऑफ द टी शर्ट. द फिफ्थ बॉय इज वेयरिंग अ डैश कलर्ड टी शर्ट, कलर द नंबर ऑन द टी शर्ट. टी शर्ट के नंबर को कलर करिए और फिफ्थ बॉय, फिफ्थ ये रहा फिफ्थ बॉय ने इस फिफ्थ नंबर को कलर करना है और उसने कौन से कलर का टी शर्ट पहना है वो हमें ब्लैंक्स में लिखना है. यहाँ पे हम लिखेंगे उसने कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, देखिए ब्लू. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू. द सेवेंथ बॉय इज वेयरिंग अ डैश कलर्ड टी शर्ट, सेवेंथ बॉय. ठीक है, कलर कलर द नंबर ऑन द टी शर्ट, सेवेंथ पिंक कलर का टी शर्ट पहना है और सेवेंथ को कलर करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे पिंक. द एट गर्ल इज वेयरिंग अ डैश कलर टी शर्ट, कलर द नंबर ऑन द टी शर्ट. एट गर्ल ये रहा, वॉयलेट कलर का टी शर्ट पहनी है, नंबर को आपको कलर करना है और वॉयलेट लिखना है यहाँ पे. ठीक है, ये रही यहाँ पे. द थर्ड बॉय इज वेयरिंग अ डैश कलर्ड टी शर्ट, कलर द नंबर ऑन द टी शर्ट. थर्ड ये रही थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर को कलर करेंगे और कौन सी कलर की उसने टी शर्ट पहने हैं. तो थर्ड नंबर का बॉय ने जो टी शर्ट पहना है उसका कलर है पर्पल. ठीक है, आप यहाँ पे पर्पल लिखेंगे. ओके, द नाइन्थ बॉय इज वेयरिंग अ डैश कलर्ड टी शर्ट, कलर द नंबर ऑन द टी शर्ट. नाइन्थ बॉय ये रहा नाइन्थ, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना है, नाइन्थ को हम कलर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन. ठीक है, द फर्स्ट बॉय इज वेयरिंग अ डैश कलर टी शर्ट, उसने भी लाइट ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना है. ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे लाइट ग्रीन, कलर द नंबर ऑन द टी शर्ट. ओके, ठीक है, ये हो गए आपके पेज नंबर 110 और 111. अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 112 पर. पेज नंबर 112 पर है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द
smallest to the largest, ascending order, okay? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको नंबर्स को अरेंज करने हैं, ठीक है? जैसे हम सीढ़ी से चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो कैसे हम देखिए, ये दो देखिए, सीढ़ी से चढ़ रहा है ना ये बॉय। हम भी जब चढ़ते हैं तो कैसे नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो एसेंडिंग ऑर्डर भी वैसा ही है। सोचना है कि मैं नीचे हूं और मुझे सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना है, तो हम सीढ़ी चढ़ के 1, 2, 3, 4 करके हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, ओके? तो यहाँ पे हमें 11 से लेके 20 नंबर तक की सीढ़ी दिखाई गई है। तो चलिए इसी 11 से 20 नंबर्स को हम हमारे ब्रेन में रख के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर, ये फर्स्ट वन तो आपके लिए किया हुआ ही है, सेकंड और थर्ड वन हम सॉल्व करेंगे, ओके? कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 16, 19, 91, 86, 69, 9, 29। जितने भी नंबर्स हैं, इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन से हैं? वो 9 है। वो सबसे पहले लिखेंगे हम 9, देन उसके बाद आएंगे 16। 16 हो गए। अब जितने नंबर बचे हुए उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन से हैं? 19। 19 लिखेंगे, 19 भी हो गई। अब जितने नंबर्स बचे हैं उनमें से कौन सा छोटा है? 29। 29। अब तीन नंबर बचे हैं, 69, 86 और 91। इन तीनों नंबर्स में से छोटा नंबर जो है वो है 69, ठीक है? अब दो नंबर 91, 86, इन दोनों में से 86 छोटा है, तो 86 को हम लिखेंगे, देन बचा हुआ नंबर 91 लिखेंगे, ठीक है? 9, 16, 19, 29, 69, 86, 91। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9, 16, 19, 29, 69, 86, 91, ठीक है? सारे नंबर्स आ गए ना, तो नेक्स्ट वन भी हमें ऐसे ही करना है। कितने नंबर्स है हम देखेंगे, 98, 23, 25, 51, 15, 74, 33। 15 सबसे, इन सब में 15 छोटा नंबर है, हम 15 को यहाँ पे लिखेंगे, हो गई 15। अब बचे हुए नंबर में 23 छोटा है, 23, फिर और बचे हुए नंबर में से 25, ठीक है, फिर उसके बाद 33, अब जितने नंबर बचे हुए हैं कौन कौन से नंबर, 51, 74, 98, ये तीन नंबर बचे हुए हैं ना, इनमें से छोटा नंबर कौन है? 51, फिर 74 और 98, 74 छोटा है, और अभी तो एक ही लास्ट नंबर बचा है 98, ओके? अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें उल्टा करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर के तरफ जाना है। फर्स्ट वन आपके लिए किया हुआ है, दो सम और बचे हुए जो अभी हम सॉल्व करेंगे। 15, 17, 42, 91, 19, 12, 8। 91 सबसे बड़ा है, फिर इनमें से बाकी बचे हुए नंबर में 42, उसके बाद 19, 17, 12, 17, 15, then 12, then 8, okay? Next, 29, 34, 48, 51,
65, 16, 11। इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 65, देन 51, देन 48, 34, अब बचे हुए नंबर में 29, 16, देन 11, ओके। तो पेज नंबर 112 तक आज आपको कंप्लीट करना है।